सुबह सुबह स्कैम हो गया भाई। ऐसा ही अपना, क्या ठंड पड़ रही है भाई, कभी भी नहीं किया भाई, इसका तो ब्लॉग बनाना ही पड़ेगा। तो हे गाइस, मेरे को ब्लॉग चैनल पापा एकदम मस्त हो, अपना मस्त हो गए। तो भाई मैं अभी उठा हूँ और अभी हो रहा है 12:40, मतलब दोपहर हो गई है और आज है लोहड़ी। तो सबसे पहले आपकी, आपको, आपकी फैमिली को हैप्पी लोहड़ी, और आई होप आपका होल लोहड़ी अच्छी जाए। और नीचे हमारा फंक्शन में, फंक्शन के लिए कुछ टेंट वेंट भी लगाया, अभी नहीं पता लोहड़ी के लिए है या किस चीज है मैं लगाया। ये देखो बातों बातों में मिर्च भी चली गई हमारी, सुबह सुबह मेरे को बोल दिया है दूध लेके आना, ये भी बहुत हैली, और पापा को टिफिन भी देना है। अभी अभी उठाऊंगा, सुबह सुबह दाल पकड़ा लिया मेरे को, जैसे बोलते हैं नन्दे शिजान कितनी काम करेगा बताओ। आज अपनी वीडियो भी बनाएंगे, एक रिएक्शन वीडियो में, बहुत टाइम से नहीं बनाए स्ट्रीमिंग वीमिंग के चक्कर में, तो बनाएंगे आज। ठीक है पहले चलते हैं और ये सामान लेके आते हैं, फिर दूध लेना है, लेट्स गो। भैया पापा आएंगे उनको दे देना टिफिन, हटा हटा पापा को टिफिन दे। ये देखो भाइयों टेंट जो मैंने दिखाया था आपको, यहाँ टेंट लग रहे हैं। अब मुझे नहीं पता है लोहड़ी के लिए है किसके लिए है, वैसा मुझे लग रहा है फेस्टिवल है तो हो सकता है कि उसी के लिए हो। और दूध मैं ले आया हूँ, चलो सुबह सुबह मेरे को दूध वाला वाली फीलिंग आ रही है, दूध वाला दूध वाला दूध वाला दूध लेने आया, सुबह सुबह जो दूध देने आते हैं ना घरों में, वो वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। ये देखो टेंट वेंट लग रहा है, ये घर से भी दिख जाएगा, हमारे नीचे वाले फ्लोर से भी दिख जाएगा ये, बट मेरी लोहड़ी मोस्ट प्रॉब्लम लैया में ही होगी, तो लैया में बनाऊंगा भाई। सारे बटन दबा दिए मैंने, लिफ्ट चलने का नाम नहीं ले रही, 0 पे 0 0 ये अभी तक, बताओ सुबह सुबह स्कैम हो गया भाई, लिफ्ट ही ना चल रही। ये देखो भाई सारे बटन दबा दिए मैंने, लिफ्ट हो गई खराब, गलती है कोई लिफ्ट चल गई और वो बंदा हर फ्लोर पर रुकता हुआ जाएगा भाई, मैं इतना पिटूंगा ना। अभी तक 0 पे है भाई, ये देखो सारे बटन दबा दिए भाई, लिफ्ट खराब है, खराब है अंकल चलना। ये देखो भाई हमारे घर से भी दिखता है टेंट पूरा, अगर पता अगर ये ऊपर का जो कवरिंग है अगर ये नहीं होता तो हमें दिख जाता है यहीं से कि अंदर क्या हो रहा है, मतलब क्या इवेंट चल रहा है, बट भैया ये ऊपर से कवर्ड है तो हमें कुछ दिखेगा नहीं। सो भाई मेरा बहुत टाइम से मन था, बहुत टाइम से कि पाव भाजी खानी है, आज देखो फाइनली यार पाव भाजी खा रहा हूँ। सो भाई मैं अभी निकाल रहा हूँ कपड़े नहाने के लिए, और भाई विंटर के कपड़े हैं मेरे सारे, मम्मी ने सारे मेरे समर के कपड़े संभाल दिए, बस 2-3 को छोड़ी क्योंकि मैं समर के कपड़े सोते समय पहनता हूँ, क्योंकि भाई हम बिना पंखे के सोते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो मम्मी ने 2-3 जोड़ी समर के कपड़ों की, मतलब हाफ जो शर्ट है हाफ पैंट है वो संभाल के रखी हुई है, क्योंकि वो मैं रात को पहनता हूँ सोते हुए, उसके अलावा सब कुछ संभाल दिया है, अटैची में बंद कर दिया, और सारे विंटर के कपड़े, इस सारे कलेक्शन में जो आप देखोगे ओवरऑल विंटर, इस बार ठंड थोड़ी सी लेट आई है बट हाँ आई जरूर है। और ये देखो भाई बैंड जो मेरे को डायनामो से मिला था, तो डायनामो ने जो मेरे को दिया था हमारे मीटअप पे, ठीक है ये देखो मस्त है ना। चलो अभी चलते हैं नहाने, और आज मैं सोच रहा हूँ कि दाढ़ी काट लो भाई, दाढ़ी बहुत टाइम हो गया मैंने दाढ़ी नहीं काटी है, तो पहले मैं दाढ़ी काटूंगा, और मम्मी बता रही है कि मामा भी आने वाले हैं लोहड़ी विश करने के लिए, चलते हैं अभी नहा के आते हैं। सुबह जो नहा के आ गए और शेव भी कर लिया मैंने, ठीक है, और नाखून वाखून भी काट लिए मैंने हाथों और पैरों के, तो अब हम खाने वाले हैं फिर से पाव भाजी। ये देखो ये पड़ी अपनी पाव भाजी और ये पड़ी हमारी कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो भाई बस मेरे को जिंदगी में इतना ही वो चाहिए, पैसा चाहिए कि मैं सुबह शाम बस पाव भाजी खा सकूं, बस यही अपना, ऐसा ही अपना, ठीक है। तो अब जल्दी से पाव भाजी खाते हैं, और मेरे को एक वीडियो शूट करनी है अभी, ठीक है,
वो आप देख ही लोगे ब्लॉग से, पर ब्लॉग पहले आएगा उसके बाद वीडियो आएगी मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, तो जल्दी से खाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, और लोहड़ी के लिए भी जाना है मेरे को, जाऊंगा, मतलब मन तो कर रहा है लोहड़ी के लिए जाने का, बट मेरे को टाइम पता नहीं है वैसे, बट देखते हैं क्या करना है, पर पहले जल्दी से खाते हैं फिर बात करते हैं। भाई वो बाहर आया था, ठंड देखो भाई, बाहर धुंध देखने को बन रही है भाई, और पीछे गाने बजने को समझ आ गया होगा भाई, इवेंट स्टार्ट हो गया, जो भी इवेंट है मुझे पता नहीं है क्या इवेंट है, बट यप, और ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। अभी मैंने खेल लिया भाई बीजेएमआई का, सर एक मैच खेला, एक मैच भाई, क्या गया मैच भाई, #4 चिकन डिनर ही निकला, जो मैंने लास्ट में गलती कर दी, मैंने गलती से फर्स्ट एड की जगह मैंने मेडकिट लगा ली, वरना मस्त गेम प्ले गया भाई, और किल्स तो पूछो मत भाई, #4 और 18 किल्स, मतलब भाई दो स्कोर ड्राइव करी स्कूल में, और पूरा ड्रैगन विलेज, सॉरी ड्रैगन विलेज, स्नो विलेज पूरा खाली किया मैंने पूरा। ठीक है, और अभी जा रहा हूँ मैं लोहड़ी के लिए लैया, ठीक है जल्दी से चलते हैं, और बुझ ना गई हो। ठीक है, लेफ्ट आ रही है, ऊपर जा रही है, अभी सीधे मिलनी पड़ेगी, नहीं आ गई नीचे आ गई है, ठीक है लैया चलते हैं, वहाँ होगी होगी स्टार्ट मेरे ख्याल से, चलते देखते क्या क्या चल रहा है वहाँ पे, लेट्स गो। हालत देखो दिल्ली की भाई, अति और ठंडे पड़ गए मेरे भाई, क्या ठंड पड़ रही है भाई, भाई पहले हल्का सा धुआं होता था, जब मुंह से धुआं निकलता था हल्का सा निकलता था भाई, बहुत ज्यादा ऐसा लगा है, पता नहीं कितने दिन बाद मैं बाहर निकला हूँ, और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा बाहर, और मेरी हालत देखो भाई, मेरी हालत देखो, मैंने आज ही कैप लगा ली, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग इसकी, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, कुछ अच्छा मिल नहीं रहा मेरे को, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, मुझे पता भाई बहुत ज्यादा हो रही होगी, बाहर इवेंट चल रहा है, पर्सनल इवेंट चल रहा है वैसे वो किसी का। चिप्स हैं, फाइनली मुझे चिप्स मिले, चिप्स है क्या, ये भी चिप्स नहीं है, पॉपकॉर्न है, अरे लोहड़ी में सब यही मिलता है क्या, ड्राई फ्रूट और पॉपकॉर्न ही मिलते हैं क्या, ये एक्चुअली भाई खाते हैं यार, कुछ खास मिल नहीं रहा यार, अरे बाहर इतना शोर आ रहा ना भाई, मेरे को भी पता वीडियो शूट करनी थी एक, जब मैंने आपको बताया था कि वीडियो शूट करूंगा, मेरे को लग नहीं रहा मैं कर पाऊंगा, क्योंकि बाहर बहुत शोर आ रहा भाई, ऐसा तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास माइक वाइक भी नहीं है, बट कोई बात नहीं भाई, थैंक यू फॉर द गिफ्ट मामा। सो भाई मेरे पास दो पैकेट है, एक मैगी का और एक चिंग्स का, और मजे की बात यह है कि दोनों में सिर्फ एक ही नूडल्स बचे हैं। ठीक है, तो अब मेरी मजबूरी है कि मेरे को दोनों को मिक्स करके खाना पड़ेगा, और भाई मैंने कभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं किया, बट मेरी मजबूरी है तो मेरे को दोनों को मिक्स करके खाना पड़ेगा, तो जल्दी से बनाते हैं और देखते हैं कैसा फ्लेवर रहता है और कैसा टेस्ट आता है, देखते हैं कैसा बनेगा। ठीक है, जल्दी से बनाते हैं इसको। तो भाइयों हमने चढ़ा दी है मैगी प्लस चिंग नूडल, ठीक है, और ज्यादा फर्क नहीं होता, बस मेरे को लग रहा जहां तक फर्क होता है वो होता है मैगी मसाले में और चिंग्स का जो मसाला होता है उसमें, क्योंकि चिंग्स का जो मसाला होता है वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है, थोड़ा नहीं काफी स्पाइसी होता है, और मैगी का मसाला तो स्पाइसी नहीं होता बिल्कुल भी, तो हाँ बस यही फर्क होता है, बाकी नूडल्स में कोई फर्क नहीं होता, मसाले में फर्क होता है। ठीक है, अब जल्दी से इसको बनाते हैं और देखते हैं कैसा लग रहा है। तो भाई वो तैयार है हमारी मैगी विद चिंग्स नूडल्स, पर मैंने बताया गलती करी, जब मैंने बना रहा था तब मैंने रियलाइज किया कि चिंग्स नूडल्स और मैगी नूडल्स सेम होते हैं, बस मसाला का अगर ये डिफरेंस होता भी है तो मेरे को सिर्फ मसाला एक का यूज करना चाहिए था, मैंने दोनों मसाला क्यों डाला भाई, ये थोड़ा सा मैंने गलती कर दी। अभी देखते हैं भाई खा के कैसा लगेगा। ठीक है, बस ऐसा ना हो कि मैं सुबह सुबह बाथरूम में ही बैठा रहा हूं, और इतना कम है भाई, मेरे को इससे ज्यादा भूख लगी है रात को।
ओके थोड़ा ओके ओके है क्योंकि जो चिंग्स मसाला है उस वो थोड़ा स्पाइस कर रहा है इसको, और जो मैगी मसाला है उसको थोड़ा कम कर रहा है स्पाइस को, तो बेटर लग रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ चिंग्स और नूडल्स को वो डालता मैं मसाला डालता तो थोड़ा सा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा स्पाइसी होता। अभी मैगी मसाला का अभी साथ में डाला तो थोड़ा सा कम स्पाइसी लग रहा है, तो हाँ ये न्यूट्रलाइज कर रहा है तो थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे अभी खाने में। ठीक है, बाकी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल ही लग रहा है मेरे को। ठीक है, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता देना कि इसकी रेसिपी कहाँ से मिलेगी आपको, सिर्फ और सिर्फ मेरे से। ठीक है, जल्दी खाते हैं, मिलता हूँ आपको मैं सुबह। नेक्स्ट मॉर्निंग, भाई जस्ट वोक अप और भाई ये देखा मैंने, मुझे रहा नहीं गया। मैंने बोला भाई इसका तो ब्लॉग बनाना ही पड़ेगा। हालत देखो भाई, ऐसा लग रहा है मतलब पहाड़ों में होता है ना माइनस में जब होता है, कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। यहाँ पर एक बिल्डिंग है वो दिख ही नहीं रही है भाई। मतलब मैं बहुत कम होता है ना 7 बजे उठता हूँ, अभी मतलब 7-8 के बीच में हो रहा टाइम, तो वही है बहुत कम होता है। ओ आज मैं सरप्राइज दूँ, मैं एकदम से उठ गया यार, मैं तो ऐसे उठ गया था कि वापस ही सोऊंगा मैं। बट भाई क्या मौसम है भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा भाई फॉग की वजह से। सही है यार। सो भाई दिस इज द नेक्स्ट डे और अभी हो रहे हैं शाम के 4:30 आई थिंक सो, और अभी मैंने सेटअप कर लिया शूट के लिए। ठीक है, कल शूट हो नहीं पाया था क्योंकि कल आपको बताया था मैंने, कल इवेंट चल रहा था बाहर तो मैं शूट नहीं कर पाया, बट अभी मैंने सेटअप कर लिया है और बस कपड़े चेंज करने हैं। मेरे को सेटअप दिखा देता हूँ कि सेटअप कैसा है मेरा। ये देखो ये रहा लैपटॉप, ठीक है ये रहा छोटा ट्रैपॉड, बड़े ट्रैपॉड की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि छोटा वाला ट्रैपॉड ही काफी है। ठीक है, तो बस ये अपना सेटअप है, ये दोनों चीजें, और मैं काफी हूँ शूट करने के लिए। तो अभी मेरे को मम्मी को बोलना पड़ेगा कि टीवी की वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर ले क्योंकि भाई मेरे पास माइक नहीं है, तो मैं बस ऐसे ही फोन को ट्राइपॉड पर लगा के शूट करता हूँ विदाउट माइक विदाउट एनीथिंग, तो वॉइस अच्छी आनी चाहिए मेरी। लास्ट टाइम जब मैंने दोनों बार शूट किया था तब घर पे कोई भी नहीं था तो आसानी से मेरा शूट हो गया था, बट मम्मा को बोलना पड़ेगा, मम्मी मान जाएगी, उसका कोई सीन नहीं है। ठीक है, अभी शूट करते हैं, कपड़े चेंज करना है उसके बाद डायरेक्ट शूट करते हैं और लेट्स गो। सो भाइयों वीडियो हो गई है शूट और बढ़िया हुई है शूट, आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब बटन, और मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले व्लॉग के साथ। ऐसे ही व्लॉग आते रहेंगे, आप बस प्यार बना के रखना, सपोर्ट करना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना इस व्लॉग को। मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले व्लॉग के साथ, टिल देन बाय, सी यू नारा, पीस आउट, बाय बाय।